चलिए आज आपको बताते हैं आज के इतिहास के बारे में। भारतीय विश्व इतिहास में 17 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं 1525, मुगल शासन बाबर ने भारत में सिंध के रास्ते से पांचवी बार प्रवेश किया था। 1558, महारानी मैरी ट्यूडोर निधन के बाद एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठी थी। 1869, 10 साल के निर्माण कार्य के बाद स्वेज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया। 1922, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिका चिकित्सक स्टेनले कोहलेन का जन्म। 1928, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन। 1932, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। 1933, अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए सहमति दी। 1939, नाजियों ने प्राग यूनिवर्सिटी में घुसकर छात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। उन बच्चों की याद में 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 1966, भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 1970, सोवियत अंतरिक्ष यान लूनाखोद एक चंद्रमा पर उतरा था। 1999, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने स्वीकृति दी। 2006, अमेरिकी सीनेट ने भारत अमेरिका परमाणु संधि को मंजूरी दी। 2012, भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाल साहिब ठाकरे का निधन। 2013, रूस के कजान हवाई अड्डे पर तातरस्तान एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 50 लोगों की मौत। 2015, विश्व हिंदू परिषद के 20 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल का निधन। 2019, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्ष विजयी।